दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल अनिल ठाकुर ऑफिशियल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सबसे पहले YouTube पर मिल सके। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको मेरा एक YouTube चैनल जो है वो डिलीट करके दिखाने वाला हूँ। और डिलीट करके मैं इसलिए दिखाने वाला हूँ क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे अपने YouTube चैनल को डिलीट कर सकते हैं। देखिए इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जाना होगा अपने एक किसी ब्राउज़र में। तो आप अगर फ़ोन पे अगर इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपको फ़ोन पे जाना है और अपने डेस्कटॉप ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, ठीक है। और आपके पास अगर पीसी या लैपटॉप है तो आप अपने डेस्कटॉप पर भी ये वर्क कर सकते हैं। मैं आपको डेस्कटॉप पे ये दिखाने वाला हूँ अपने पीसी पे। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले हमारे एक ब्राउज़र में। तो चलते हैं हमारे सबसे पहले यूट्यूब पर। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने YouTube पर जाना है डेस्कटॉप ब्राउज़र में, ठीक है। अगर आप फ़ोन पे ये चीज़ करने वाले हैं तो फ़ोन पे आपको अपने डेस्कटॉप में जाना है, डेस्कटॉप व्यू जो होता है उसमें आपको इसको ओपन कर लेना है स्टूडियो में। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए जैसे कि अगर आप PC पे काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे आपका चैनल का लोगो दिखाई देता है, ठीक है। तो आपके इस चैनल के लोगो पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो मैं अपना एक ये जो चैनल है ये चेंज कर लेता हूँ और मैं दूसरा अपना YouTube चैनल जो है आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे डिलीट करा जाता है। तो पहले हम यहाँ से अपना दूसरा अकाउंट ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने अपना एक दूसरा अकाउंट ले लिया जिसका नाम है AT ऑफिशियल, ठीक है। तो आज इस चैनल को हमको यहाँ से डिलीट करना है। तो देखिए यहाँ से क्या करना है आपको, सबसे पहले अपने उस चैनल को डिलीट करने के लिए सबसे पहले आप अपने उस चैनल पर आएँ। अगर आप किसी अपने खाते को डिलीट करना चाहते हैं और आप किसी दूसरे अकाउंट पे हैं तो आपको सबसे पहले उस अकाउंट पे जाना है जिसे आप डिलीट करना चाहते हैं। तो हम इस अकाउंट पे आ चुके हैं। अब आपको इस अपने लोगो पे क्लिक कर लेना है जिस पे आपका चैनल का लोगो दिखा देता है। उसके बाद आपको यहाँ पे यूट्यूब स्टूडियो का एक ऑप्शन दिखाई देता है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ी देर में आपका जो यूट्यूब स्टूडियो है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और देखिए ये जैसे ये ओपन हो चुका है और ये बिल्कुल नया अकाउंट था तो मैं इसको आज डिलीट करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ आके आपको क्या करना है, देखिए आपको जाना है सेटिंग्स के ऑप्शन पे, ठीक है। तो सेटिंग्स का ऑप्शन आपको यहाँ नीचे की तरफ दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक कर लेना है और सेटिंग्स के ऑप्शन पे आ जाना है। यहाँ आने के बाद आपको क्या करना है, देखिए आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपको सेकंड नंबर पे एक चैनल का ऑप्शन दिखाई देता है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर दोस्तों क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए यहाँ पे रो में आपको यहाँ पे चार ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। पहला सामान्य जानकारी, दूसरा बेहतर सेटिंग्स, और हमको जाना है बेहतर सेटिंग्स में, ठीक है। तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है दोस्तों। जब आप इस पर क्लिक कर लेंगे दोस्तों तो आपको यहाँ पे देखिए आप क्या करना है, आपको यहाँ पे तीन ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे ब्लू कलर की लिंक में, ठीक है। तो पहला आपको दिखाई दे रहा है यूट्यूब खाता मैनेज करें, दूसरा दिखाई दे रहा है यूट्यूब से कंटेंट को हटाएं। अगर आपका कोई कंटेंट अगर यूट्यूब पे है तो आप यहाँ से इजीली हटा सकते हैं। और उसके बाद आपको देखिए अगर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा चैनल की बेहतर सेटिंग, ठीक है। तो यहाँ हमको क्या करना है, हमको पहला वाला जो ऑप्शन है ना यूट्यूब खाता मैनेज करें, हमको इस पर क्लिक कर लेना है। तो इस पर आने के बाद आपको इस पर यूट्यूब खाता मैनेज करें पे क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है नए विंडो में। यहाँ आने के बाद आप अपनी यूट्यूब की सेटिंग्स में आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद देखिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आपका चैनल का जो आइकन होगा वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा या जो पिक्चर आपने लगा रखी होगी वो आपको दिखाई देगी। उसके बाद आपको इसी के नीचे यहाँ पे तीन ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, पहला चैनल की स्थिति और सुविधाएं, दूसरा अपने चैनल या चैनलों को जोड़ें या प्रबंधित करें, और तीसरा जो है देखिए बेहतर सेटिंग्स देखें। तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है दोस्तों। जब आप इस पर क्लिक कर लेंगे तो आप एक नए विंडो में आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद देखिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सबसे नीचे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा जिस पे लिखा है देखिए चैनल मिटाएं, जो कि लिंक के रूप में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके नीचे आपको यहाँ पे कुछ जानकारी दी हुई है जैसे कि आपका यूट्यूब चैनल मिटाने से आपका गूगल खाता बंद नहीं होगा, यानी कि अगर आपने अपना यूट्यूब चैनल मिटा दिया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो ईमेल आईडी है वो सेफ रहेगा, सिर्फ आपका जो चैनल है वो यहाँ पर डिलीट होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको चैनल मिटाएं जो लिखा हुआ है इस पे आपको क्लिक कर लेना है दोस्तों। जब दोस्तों आप इस पे क्लिक कर लेंगे तो यहाँ आपके सामने एक नई विंडो खुल जाती है। देखिए यहाँ पे तो अपना जो है आपको पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। जो भी आपका पासवर्ड है ना वो आपकी ईमेल आईडी का वो आपको यहाँ पे डाल देना है, तभी आपको ये वेरीफाई करेगा और आपका अकाउंट यहाँ से परमानेंटली डिलीट कर देगा यूट्यूब। तो दोस्तों जब आप अपनी पासवर्ड को वहाँ पे टाइप कर देंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ आपके सामने एक नई विंडो देखिए यहाँ पे खुल जाती है। जैसे कि अभी यहाँ पे खुल चुकी है, हमने अपना पासवर्ड जो है वहाँ पे टाइप करके नेक्स्ट कर दिया है, तो यहाँ आपको एक नई विंडो खुल जाती है और यहाँ आपसे कहा जाता है देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रिमूव यूट्यूब कंटेंट।
ठीक है, तो यहाँ आपको देखिए यहाँ पे कुछ पूछा जा रहा है, हाइड और डिलीट योर कंटेंट फ्रॉम यूट्यूब, यानी कि आप जब अपना यूट्यूब चैनल डिलीट करना चाहते हैं तो आपसे यूट्यूब ये पूछ रहा है कि क्या आपका जो कंटेंट यानी कि आपकी जो वीडियोस आपने इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड की हुई होंगी तो उसे क्या आप हाइड करना चाहते हैं यानी छुपाना चाहते हैं लोगों से, या उन्हें आप डिलीट करना चाहते हैं हमेशा के लिए। तो यहाँ पे आपको अपनी सुविधा अनुसार जो भी ये दो ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं इनमें से कोई एक यहाँ पे आपको चूज़ कर लेना है। हमारे इस पे कोई भी कंटेंट है नहीं तो हम यहाँ पे आई वॉन्ट टू हाइड माई कंटेंट पे हम क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ देखिए आपको चार यहाँ पे कुछ ऑप्शंस और आपको फिर पूछे जा रहे हैं, और अगर आप अगर हम यहाँ पे डिलीट करते तो डिलीट में भी आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम ये जान लेते हैं कि हाइड में हमसे क्या पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई वॉन्ट टू हाइड माई कंटेंट, दिस विल हाइड योर यूट्यूब वीडियोज़ एंड प्लेलिस्ट, यानी कि ये आपकी वीडियोज़ और आपकी जो प्लेलिस्ट होंगी जो आपने क्रिएट की हुई होंगी वो यहाँ पे डिलीट जो है हाइड कर देगा सॉरी। और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट ऑल द फॉलोइंग टू कन्फर्म योर अंडरस्टैंड, यानी कि आप अपनी मर्जी से ये सब चूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पे इन दोनों को चूज़ करना होगा यानी टिक लगाना होगा इन दोनों पे। तो पहला क्या है कि द फॉलोइंग विल बी मेड प्राइवेट योर फॉर पब्लिक प्लेलिस्ट, यानी कि आपकी जो जो प्लेलिस्ट होंगी वो आपकी यहाँ पे जो है प्राइवेट हो जाएंगी, यानी कि वो फिर लोगों को दिखाई नहीं देंगी आपके चैनल पे। दूसरा क्या दिखा रहा है यहाँ पे, द फॉलोइंग विल नॉट बी हिडन, यानी कि ये चीज़ें नहीं छुपेंगी, योर चैनल पेज यानी कि आपका चैनल नहीं छुपेगा, योर चैनल नेम आपके चैनल का नाम नहीं छुपेगा, योर चैनल आर्ट एंड आइकन यानी कि आपके चैनल पे जो आपने फ़ोटो या आर्ट लगा रखा है या जो आपकी प्रोफाइल पिक्चर जो एक तरह से आपकी यूट्यूब पर है वो नहीं छुपेगी, योर लाइक्स एंड सब्सक्रिप्शन यानी कि जो आपके वीडियोस पे लाइक जो आ चुके हैं या फिर जो आने वाले हैं वो यहाँ पे नहीं छुपेंगे, और जो सब्सक्रिप्शन यानी कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनको पता नहीं चलेगा कि आपका चैनल डिलीट हो गया है या आपने हटा दिया है, लेकिन आपका चैनल मतलब दिखता रहेगा और आपका जो कंटेंट है वो यहाँ पे हाइड हो जाएगा, यानी आपका चैनल तो रहेगा लेकिन आपका कंटेंट हाइड हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे जो आपको डिलीट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, दिस विल परमानेंटली डिलीट योर यूट्यूब डाटा एसोसिएट विद एटी ऑफिशियल, यानी एटी ऑफिशियल के साथ जो भी आपका डाटा यूट्यूब के साथ जुड़ा हुआ है वो सब यहाँ पे जो है पूरी तरह जो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। दूसरा क्या दिखा रहा है यहाँ पे, सेलेक्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग टू कन्फर्म दैट यू अंडरस्टैंड, यानी कि आप समझ चुके हैं इसीलिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे कि एक एक्सेप्ट करवाता है कोई भी चीज़, या व्हाट्सएप पे अगर हम अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पे हमसे हमारी एक्सेप्टेंस मांगते हैं कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं इन सब चीज़ों को, जैसे कि उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस, वैसे यहाँ पे हमसे ये एक्सेप्ट करवा रहा है तो ये आपको करना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे हमको क्या दिखा दे रहा है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे डिलीट हो जाएंगी परमानेंटली, योर फोर प्लेलिस्ट यानी कि हमने जो चार प्लेलिस्ट बना रखी हैं वो डिलीट हो जाएंगी, योर वन सब्सक्रिप्शन टू अदर चैनल्स यानी कि आपके चैनल आपका चैनल जिस भी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है वहाँ से आपका चैनल हट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या दिखा रहा है, देखिए कमेंट्स दैट यू मेड ऑन यूट्यूब, यानी कि आपने जो भी कमेंट इस चैनल से किए हैं वो सब हट जाएंगे, योर रिप्लाइज एंड थंब ऑन अप ऑन कमेंट्स, यानी कि आपके जो भी रिप्लाइज जो भी आपने चीज़ें की हुई हैं वो सब चीज़ें यहाँ पे मिट जाती हैं, आपका मैसेजेस, योर सर्च एंड वॉच हिस्ट्री, ये सब चीज़ें जो है यहाँ से डिलीट हो जाएंगी परमानेंटली। तो चलिए हमारे इस पे चीज़ पे वैसे कुछ है नहीं लेकिन यहाँ पे हम फिर भी इसे हाइड कर देते हैं। तो ठीक है, हाइड माई कंटेंट इस पे हम क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे हमको एक मैसेज आता है यूट्यूब की तरफ से, देखिए क्या लिखा हुआ है, दिस विल मेक ऑल योर वीडियोज़ एंड प्लेलिस्ट प्राइवेट सो दैट यू ओनली कैन व्यू देम, यानी कि आपकी जो भी चीज़ें हैं वो सब यहाँ पे प्राइवेटली हो चुकी हैं और उन्हें सिर्फ आप ही देख सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे हम अगर इसको डिलीट करके देख लेते हैं अब एक बार कि हमारे चैनल को हम डिलीट ही कर देते हैं, तो यहाँ पे डिलीट माय कंटेंट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए दिस विल परमानेंटली डिलीट ऑल योर यूट्यूब कंटेंट इंक्लूडिंग ऑल योर यूट्यूब वीडियोज़ प्लेलिस्ट लाइक सब्सक्रिप्शन कमेंट्स मैसेजेस सर्च हिस्ट्री एंड वॉच हिस्ट्री, दिस डाटा कांट बी रिस्टोर्ड, यानी कि एक बार डिलीट करने के बाद आप इन सब चीज़ों को हटा नहीं सकते यानी कि वापस नहीं ला सकते। तो यहाँ पे हम इसको कंफर्म कर देते हैं और डिलीट माय कंटेंट पे क्लिक कर देते हैं, और यहाँ जैसे देखिए यहाँ पे डिलीट हो चुका है तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ रहा है, प्लीज़ कन्फर्म बाय टैपिंग इन योर चैनल नेम, यानी कि आपका यहाँ पे जो आपका चैनल है वो आपको यहाँ पर टाइप करना है चैनल का नाम, तो हम यहाँ पर अपना चैनल का नाम टाइप कर देते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो है अपना चैनल का नाम यहाँ पे लिख दिया है एटी ऑफिशियल, तो यहाँ आपको अब डिलीट माय कंटेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन यहाँ पे देखिए हो चुका है हमारा योर कंटेंट इज़ बीन डिलीटेड, यानी कि आपका जो कंटेंट है वो यहाँ पे डिलीट हो चुका है। ठीक है,
तो अब यहाँ से आपको बैक कर लेना है। अब हम इसे यहाँ से हटा देते हैं और इसे बंद कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम अगर इसे रिफ्रेश करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमने इसे यहाँ पे रिफ्रेश करा इस पेज को, और ये पेज जैसे कि यहाँ से अब जो है ये पेज यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा, और हमारा जो दूसरा चैनल है ना वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से वो वाला पेज तो यहाँ से डिलीट हो चुका है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर कभी ऐसी किसी वीडियो के साथ YouTube पर, तब तक के लिए धन्यवाद।